बड़ी देर हो गई है, मैंने कुछ भी नहीं खाया। ये मुझे थोड़ी सी रोटी खिला दे, मेरी मेरी दोस्त नहीं है, खिलाएगी, चला जा। दामाद भी बेटों की तरह होता है। कहीं आप अपनी भावज और बावले भतीजे की मोहब्बत में मेरी मेरी कोमल को कुर्बान तो नहीं करना चाह रहे आप? कौन था वो? पागल है, मुसाफिर है, इधर उधर कहीं भी भटकता रहता है। बेचारा बहुत दिनों से भूखा था, मैंने हमदर्दी में आकर उसे खाना खिला दिया और टिकट दिला दी। मान लिया मैंने। वो शौका तेरे बाप को पूरा 1,00,000 रुपया देगा, ये सौदा बुरा नहीं है। सौदा, मैं एक बात बता मुझे, हम चूड़े चमा रही है ना, या फिर अभी नए नए बने? तूने फिर कोई बदतमीजी तो नहीं की माँ से? जिस सवाल का जवाब वो मांग रही थी उसे तमीज से दिया जा सकता था? अदब से दिया जा सकता था? मैं तो खुद इस हक में नहीं हूं बेटा। मैं तेरी माँ को बहुत समझाने की कोशिश की कि उसमें हर शरई ऐब है। फाहिशा औरतों को डेरे पर बुलाता है, पीता पिलाता है, जखीरा अंदोजी करता है और ना जाने क्या क्या करता है, लेकिन तेरी माँ है कि समझने को बिल्कुल तैयार नहीं। लेकिन बेटा एक और बात भी है, मैं नहीं चाहती कि मुझ पर तुझे उकसाने का या बागी करने का इल्जाम लगे। अगर उस शोके के बच्चे में कोई ऐब ना भी होता ना, तब भी मैं बिकने वालों में से नहीं हूं। क्या क्या कहा तूने? हाँ, कीमत लगाई है उसने मेरी, और जिन माँ बाप की इज्जत करना, जिन माँ बप का अदब करना, जिन माँ बाप से बगावत ना करने की तलकीन आप मुझे कर रही है ना, वही माँ बाप वहां पे बैठे हुए उस कीमत को वसूलने के लिए। तब आप मुझे बताएं अम्मा, खरीदी हुई चीज की क्या इज्जत होती है? शोके ने मुझे खरीद लिया तो वो तो मुझे जूती की नोक पर रखेगा, लेकिन मैं जूती की नोक पर रहने वालों में से नहीं हूँ। मैं दिल में रहने वालों में से, मैं बिकने वालों में से नहीं हूँ अम्मा जी। नहीं बेटा, तो फिक्र ना कर, तो खैर से काम पे जा। मैं तेरी माँ को समझाने की कोशिश करती हूँ, उसे खौफी खुदा दिलाती हूँ, और जरूरत पड़ी तो गांव के वडेरों को भी बीच में डालूंगी, उसे समझाएं, उस पर सख्ती करेंगे, उसको डांटेंगे। ये क्या लड़कियों को लेन देन करके ब्याहने का गंदा रिवाज डाल रहे हैं वो। नहीं तो जा बेटा, अब मैं समझाऊंगी, चल देख लूंगी मैं तेरी माँ को भी, तेरे बाप को भी, और उस शौके को भी। कोमल आजा आजा। क्या हुआ? भाग के आजा। क्या? ही मिली। लिखा ले, यहां तुझे कोई मना भी नहीं करेगा। कसम से भोले भैया, बड़े ही अच्छे हैं भैया आप तो। तू भी तो मुझे अच्छी लगती है, इसीलिए तो आता हूँ इस घर पे, वरना मुझे तो इन पे खार है। हाँ जी हाँ। तो मैं तो आपकी बहन हूँ ना, आप मेरे से प्यार करते हैं, पर आप मेरे लिए नहीं घर आएंगे तो किसके लिए आएंगे? तू तो मेरी बहन है इसलिए अच्छी लगती है ना। कोमल कोमल, वो क्यों अच्छी लगती है मुझे भला है? बोले भैया, कौन अच्छी लगती है बताया ही नहीं आपने मुझे। वो है, वो एक है, एक लड़की। लड़की? अरे ओए, लड़की पसंद कर ली ना। कौन है? करती है वो, होती कहाँ पे कहीं आपकी सर्कस में तो नहीं काम करती? सर्कस से खा रहे उसे।
वो ना वहाँ काम करती है, पता नहीं कहाँ काम करती है, काम करती है। क्या मतलब है काम करती है? आपको पता ही नहीं वो काम क्या करती है? बहुत ही सीधे हैं आप। अच्छा चलो छोड़े, खैर है। उसका नाम तो बताओ है ना, नाम बताए, नाम क्या? नाम बताओ? उसका नाम है, उसका उसका नाम 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 पता नहीं क्या है उसका, पता नहीं उसने बताया था नहीं बताया था, पता नहीं है। चलो जी, नाम ही नहीं बताया आपको उसका? भोले भैया, कसम से भोले हैं आप, आपका नाम भी सही रखा है भोले भैया। अब आपने काम करना है, ठीक है? मैं आपको बताता हूँ, आपने ना अब जब उससे दोबारा मिलना है ना, तो उसका नाम लाजमी पूछना है। कैसे मिलूं? क्यों? पता है मैं उससे कब मिलता हूँ? जब मैं यहाँ से भागता हूँ ना, तो भागने के बाद ना मैं घूम जाता हूँ, घूम जाता हूँ तो फिर वो मुझे मिलती है। पर अम्मा मुझे अम्मा घर से बाहर नहीं जाने देती है। मैं बाहर नहीं जाऊँगा, भागूंगा नहीं, मैं घूमूंगा नहीं, वो मुझे मिलेगी नहीं, तू मुझसे नाम पूछोगी, मैं नाम बताऊंगा नहीं। अम्मा ना मुझे अम्मा नहीं मुझे जाने देती घर से। रोना नहीं। अच्छा इमली मैं जा उससे पूछूंगा कैसे नाम, मैं भागूंगा नहीं तो, घूमूंगा नहीं तो, मुझे भागना है। मुझे भागना है। ओए ओए, तू क्या कर रहे हैं यहाँ पे? साहिर गए? आपको नहीं पता? नहीं, मुझे नहीं पता। क्यों, क्या हुआ है? खैरियत? साहिर भाई जान की तो अम्मी फौत हो गई, तो घर चले गए उसी वक्त। अब दो चार दिन तो लगेंगे ना उन्हें वापस आने के लिए, अभी बस उन्हीं के लिए दुकान बंद कर रहा हूँ। देखो साहिब, मुझसे ना ये रस्मी बातें नहीं हो पाती हैं, ना मुबारकबाद दी जाती है, ना अफसोस किया जाता है, लेकिन तुम्हें इस तरह दुखी देखकर ना मेरा कलेजा मेरे मुंह को आ रहा है। जो होना था हो गया, इनकी जिंदगी इतनी थी, अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे। बस तुम खुद को संभालो। तुम्हें संभालोगी मुझे? मैं? तुम मुझे इस काबिल तो समझो। दूर इससे पहले तक तुम्हें अपनाने में सिर्फ एक यही झिझक थी कि मैं अम्मा का दिल नहीं दुखाना चाहता, लेकिन अब वो इन सब बातों से बेनियाज होंगी। उनकी तस्लीम पर बड़ी आपा ने अपने देवर से मेरी छोटी बहन का रिश्ता तय करके मेरी आखिरी जिम्मेदारी भी हल्की कर दी। उस महीने के आखिर में सादगी से उनका निकाह कर दिया। तुम कितना कमा लेती हो? मैं? सारा अपने माँ बाप को दे देती थी या कुछ बचा के भी रखा? नूर, मैं बहुत आगे का सोच रहा हूँ। यहाँ अम्मा के जाने के बाद भी मुझे बहुत से लोगों के सवालों का जवाब देना पड़ेगा। मैं मुल्क से बाहर निकलने के लिए हाथ पैर मार रहा हूँ। वीज़ा मिल रहा है लेकिन पैसे लगेंगे। अपना तो ना कोई घर है ना जायदाद, बस एक दो दोस्तों से कर्जा ले रहा हूँ। हम सादगी से निकाह करेंगे, फिर मैं वहाँ जाकर तुम्हें बुला लूँगा। दो तीन महीने। सच्ची? हाँ। I'm not afraid to die.
टाइम चाहिए तुम लोगों को, मिनटों में फैसले हो जाते हैं बड़े बड़े मुल्कों के, एक महीना हो गया भाई रिश्ता डाले हुए। लड़की वालों को कुछ टाइम तो लगता है ना शौके। वो तो भाई तुमने करना कौन सा काम है, सारे खर्चा तो मैंने ही करना है। वो दरअसल नूरी की बेबे ओ बेबे अम्मी जी की तबीयत भी ठीक हो जाएगी। तरीक रख दिन में इसलिए तरीक रख ले, 10-12 जी आ जाएंगे रात में, रोटी राटी भी मैं सब कर लूंगा और सारी कसर निकाल दूंगा मैं वलीमे के अंदर, सारी कसर। तू 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 ठंड लगी बड़ पल रहे हैं यार, कोठरी ठंडी हो गई है, पखे लगवा दिए मैंने और पीछे जो खुरा ना उसके ऊपर टीन की छत भी लगवा दी, और मैं ये सोच रहा हूँ कि तेरे बड़े मुंडे को मोटरसाइकिल दे दूँ। मोटरसाइकिल 125 जाया करेगा, मेरा माल लेके जाएगा, उसके पैसे अलग है। अब अच्छा तो नहीं लगेगा ना तू और तेरी जनानी, मेरा मतलब अम्मी जी ऐसे कूड़ा करकट है मेरा दिल उदी इकट्ठे करते फिरे। शौके के सहारे जो है वो कोई मियाँ हो, कोई खान हो, कोई मलक हो, समझ रहा है ना, तो चौरी हो। अब जो तेरा दिल करे, पावे चौरी नज़ीर, पावे मियाँ नज़ीर, पावे नज़ीर खान, पावे नज़ीर बाजवा, जो जो ऐसे अच्छा लगता है, है? नज़ीर खान अरे प्यार दे। हाँ ठीक कर जल्दी फैसला। अस्सलाम वालेकुम। ये न चाहे इस बार घर नहीं जाएगी क्या? क्या करना है घर जाके, आने जाने में अलग पैसा खर्च होता है, वहां जाओ तो बेबे की बातें सुनो अलग दिमाग खर्च। तुझे पता है कुत्सिया बाजी ना इस दफा 3 जोड़े लॉन के सूट दे रही है, कसम है। बाजी बाजी अगर आप मुझे गर्मियों के कपड़ों के बजाय पैसे दे देती। मैंने तो घर की सब मुलाजमाओं के लिए लोन के 3-3 जोड़े लिए थे, तो तुम्हारे लिए भी ले ली। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन मैं कपड़ों का क्या करूंगी जब घर में बहन भाई चीथड़ों में फिर रहे हूँ, पैसा मेरे काम आ जाएगा। चलो ठीक, मैंने कहा ना बेबे नहीं भेज सकूंगी। अरे मैं क्या जानू, जाके खुद मालकन से पूछ लें कि क्यों नहीं दिए। मेरे कमाने से पहले जैसे महीना गुजर रहा था ना वैसे ही गुजार लो, और मैं शायद अगले महीने भी ना भेजूं। बेबे बेबे ज्यादा ना बोल, मैं जा रही हूं, मेरे पास 1000 काम है करने को। खुदा हाफिज।
मेरे दोस्त का फोन आया था कुवैत से, एक हफ्ते में वीजा मिल जाएगा। सच? लेकिन उसे पैसे देने, अभी तक रकम का बंदोबस्त नहीं हुआ पूरा। साहिर मैंने पाई पाई जोड़ी है और कुछ पहले से भी जुड़े हुए पैसे पड़े हुए थे, कुल मिलाकर 18,000 है, तो वो मुझसे ले लो। पागल, पहली बात तो है कि 18,000 में मेरा काम नहीं होगा, और दूसरी बात यह कि मैंने तुम्हें पैसे जोड़ने को इसलिए नहीं कहा था कि मुझे दो, अपने लिए जोड़ो ताकि जब मैं बुलाऊं तो फौरन टिकट खरीद कर आ जाओ। अभी कुछ अरसा मैं खुद पर और तुम्हारी ज़ात पे एक रुपया भी नहीं खर्च कर सकता, वहाँ जाके मुझे दिन रात मेहनत करनी और वो कर्ज़ा उतारना है जो मेरे सर पे वीज़े की वजह से चढ़ गया। तुम फिक्र ना करो, मैं जब एक दफ़ा तुम्हारे पास आ जाऊँगी ना तो देखना, हम दोनों मिल के काम करेंगे और दोनों मिल के मेहनत करेंगे। अगर मैं तुम्हें ना बुला सका तो मतलब वहाँ जाके अगर मुकर गया तो डर नहीं लगता तुम्हें? मैं तुम्हें फिर भी जाने से नहीं रोकूंगी साहिर, क्योंकि साहिर मियां मैं आपसे मोहब्बत करती हूँ, इसीलिए मैं हमेशा आपका नफा चाहती हूँ, घाटा नहीं। मैंने तो सुना है मोहब्बत कोई नफा नुकसान नहीं देखती। तुम्हारी नूरी सबसे अलग है और उसकी मोहब्बत भी सबसे अलग है। मैं तुम्हें अपने वादों का पाबंद नहीं करना चाहती साहिर, तुम अगर जाना चाहते हो तो जरूर जाओ, मुझसे ज्यादा खुश और कोई नहीं होगा। और तुम्हें पता है मैंने जब से तुम्हें देखा है ना, मुझे तुम में हमेशा एक शहजादा दिखा है। ये जो मामूली दुकानदारी है तुम पे जचती नहीं है, अब मैं तुम्हारे लिए कुछ और कर तो नहीं सकती, कम से कम तुम्हारा रास्ता तो खोटा ना करूं। लेकिन तुम्हें पता है मुझे अंदर से आवाज आ रही है, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि सब कुछ ठीक होने वाला है, तुम दोनों जाओ। हाँ हाँ, बहुत पहुंची भी बुजुर्ग हो तुम, एक हफ्ता रह गया, अगले जुमे निकाह कर लेंगे, निकाह ना माओगे तो तुम्हें बुलाने में आसानी होगी, लेकिन आसानी आसानी में भी बहुत वक्त लग जाएगा नूर, इंतजार कर लेगी। इंतजार अगर तुम्हारा है तो जी जान से कर लेंगे। और रोज के 20-30 मैसेज करके तंग भी करोगी मुझे? हाँ क्यों नहीं, लेकिन तुम जवाब नहीं देना ना, 20 का ना 30 का ना 10 का, तुम कोई मैसेज नहीं करना, बस 2-4 दिन में एक फोन कर लेना। साहिर मुझे तुम्हारे लव्स नहीं चाहिए, मुझे तुम्हारी आवाज सुननी होती है। क्या कहा तूने अभी? तू चुप चुप इतने निकाह कर लेगी, वो भी माँ बाप को बताए बगैर? तू मेरे घर वालों को जानते नहीं है वरना ये बात ना करती। मैं क्या क्या कपड़ा उठाऊं अपने पेट से खुद, जिनको अपनी गैरत और मेरी इज्जत का ख्याल नहीं, मैं क्यों ख्याल करूं उनकी इज्जत का जो उनके पास है ही नहीं पहले से। देख रानी, से वादा कर कुत्सिया बाजी को हवा भी नहीं लगने देगी इस चीज की। ना 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 बाबा, बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं बताऊंगी मैं उनको, अगर मैंने उन्हें बता दिया ना तो वो तुझे काम से भी और इस घर से भी निकाल देगी। तुझे एहसास है ना इस चीज का रानी, कि मुझे इस नौकरी की और छत की कितनी जरूरत है। अब पता नहीं साहिर जब वहाँ पे जाएगा तो उसे कितना वक्त लग जाए मुझे यहाँ से वहाँ बुलाने में, कई महीने या कई साल। नूरी, वैसे एक बात कहूँ, मैंने देखा है उस वो करियाने वाले को, कोई ऐसा गुलफाम नहीं है वो जिस पे तुम मरती ही जा रही है, ना ही पैसे हैं उसके पास। रानी देख, अगर मुझे पैसा या ऐशो आराम ही देखना होता ना तो जहां बेबे मेरा सौदा करा रही थी ना, उस शोके का जिसके बारे में मैंने तुझे बताया था, उसी को ढीठों की तरह मैं हाँ कर देती। ना उसकी इज्जत है, ना उसकी खुद की कोई गैरत है, वो मुझे क्या देता? पूरी जिंदगी यही सुना, चूड़ों की औलाद, चूड़ों की औलाद, चूड़ों की औलाद, जिल्लत जिल्लत जिल्लत। जो थोड़ी बहुत बची कुची मेरी इज्जत रह गई थी ना, वो भी मेरी चली जानी थी अगर उसे हाँ कह देती तो।
कोई मुझे खरीद के अपने घर लेकर जाता, मुझे बहुत अच्छे से पता था कि वो मुझे जूते की नोक पे रखता। लेकिन साहिर, साहिर मुझे खुरूर देता है, खुरूर, ये कि वो मेरे लिए कितना कुछ करता है, कोई मेरा कितना ख्याल रख सकता है। ठानी कुछ ही अरसे में मेरे नाम के आगे उसका नाम जुड़ जाएगा, मेरा उसके साथ निकाह हो जाएगा, फिर मैं वहां उसके पास चली जाऊंगी, वो मुझे वहां बुला लेगा, फिर कोई नहीं मुझसे पूछेगा कि मैं कहां से। दफा करो सबको। लेकिन बकवास बंद कर, तू दोस्त है ना मेरी, सिर्फ दुआ कर मेरे लिए, वादा कर कुत्सिया बाजी को कुछ नहीं बताएगी। पक्का? मैं आई, एक सेकेंड। लेकिन आपने यहाँ पे ताले टूटे हुए देखे हैं यहाँ स्टोर में, तो आप कहाँ रहते हैं? आप आपका नाम क्या है? क्या हुआ है? पुलिस क्यों आई है? साहिर का है? चोरी हुई है जी, साहिर भाई को पुलिस पकड़ के ले गई है। साहिर थाने में? हाँ जी, पुलिस वाले तो कह रहे हैं कि सब कुछ बुलवा के रहेंगे कि चोरी किसके साथ मिलके की है, माल कहाँ गायब की, अल्लाह बेहतर जानता है क्या होता है साहिर भाई के साथ। तुम जाओ, वो देख, जाओ। और आपके सामने वो लोग आ गए हैं, लोग जा चुके थे। और आपका क्या नाम है जी? आपता बेगम, आप नूरी की बात कर रही हैं? जी जी, वही लड़की जो गांव से आई है, आपने ही रखवाया उसे? तो क्या हुआ? वो काम ठीक नहीं कर रही है। मुझे तो हाजी साहब ने कहा था कि उसने कम दिनों में बहुत ज्यादा काम भी सीख लिया है और काफी मेहनती भी है। वो तो ठीक है मैडम जी, लेकिन आए दिन छुट्टियां करने लगी है अब। छुट्टियां? जी, आज भी नहीं आई। आज भी नहीं आई? मगर जितना मुझे मालूम है उसकी रिहाइश आप ही के घर पर है, इसलिए मैंने सोचा आप ही से पूछ लूं। क्या वजह है, बीमार है क्या? अले, 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 क्या हो गया मेरे मुन्ने को? अरे क्या हुआ मेरे लाल को, क्यों लोला? अरे रात को मैं अपने बच्चे को घुमाने लेके जाऊंगी और वो आइस के बल्कि कुल्फी खिलाऊंगी तेरी पसंद की, ठीक है ना? मुझे नहीं जाना तेरे साथ, बुढ़ी चुड़ैल। अरे माँ को ऐसे कहते, बुरी बात। अरे तेरी माँ हूँ मैं, क्या हो गया मुन्ने? तू माँ नहीं है मेरी, माँ ऐसे अपने बच्चे को जंजीरों में बांध के नहीं रखती है। अरे कौन सी जंजीरें, कब बांधा तुझे मैंने? रात भर मुझे जंजीरों में बांध के रखा है, ये देख, ये देखो मेरा टिकड़ा, ओए मेरा टिकड़ा छिल गया। मुराद, अरे ढोल मारे, माँ का दुपट्टे से तेरा टखना छिल गया? वो जो बाहर खाक उड़ाता फिरता है, लोगों से थप्पड़ खाता फिरता है, बड़ा आया बांका सजीला, उसके बाद कुछ नहीं होता तुझे? तू माँ नहीं है मेरी, तू शतेली है, तू शतेली है, तूने मेरी शकी माँ को ना जहर दे के मार दिया है, मेरे अब्बा का गला घूम दिया, अब तू मेरी जान के पीछे पड़ गई है, मुझे ना मारना, मुझे ना मारना। अरे मेरे अल्लाह, ये कौन जहर भर रहा है, कौन तेरे दिल में मैल भर रहा है? लो जी, अब दिल में मैल पड़ गई है, दिलों में मैल हो गई है। अम्मा, मैं तो कल बड़ा 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 मलमल के ना आया था, साबुन लाल साबुन का, ऐसे मला साबुन काला हो गया, गर्दन की मैल उतारी, नाखूनों में से मैल निकाली, कानों से मैल निकाली, दिल में मैल पड़ गई। अम्मा ये दिलों में से मैल कैसे निकलती है? अम्मा ये दिलों में से मैल कैसे निकलती है? दिलों में से मैल कैसे निकलती है अम्मा? दीवाना लगी शाला, झुकी बात दिल में पड़ गई जी, मैं लब जी शाला। तुम्हारा क्या लगता है वो
इंस्पेक्टर साहब रिश्तेदार है, मेरे तायाबा का बेटा है, मैं इसी शहर में काम करती हूँ, पता लगा तो मैंने सोचा देख लूं। चलो अच्छी बात है, वो तो अपने मुंह से कुछ बोल ही नहीं रहा, अपना आता पता। चलो तुम बताओ कहाँ का रहने वाला है, उसके घर का पता क्या है? इंस्पेक्टर साहब सच पूछे तो बड़ा शरीफ आदमी है, बहुत शरीफ है, मौलवी का बेटा है, गांव में बड़ी इज्जत करते हैं इसकी, मौलवी साहब की, घर की। मौलवी साहब तो बहुत पहले गुजर चुके थे, अभी 3 हफ्ते पहले अम्मा भी गुजर गई, और बहने सारी शादीशुदा हैं। तो मैं अगर आपको पता दे भी दूं तो आप किससे मिलने जाएंगे, क्या पता लगाएंगे? मैं आपको सच बता रही हूँ, बड़ा शरीफ आदमी है, चोरी डकैती ऐसी कुछ चीज कर ही नहीं सकता, कभी नहीं। अच्छा तुम कह रही हो इसलिए मान लूं, तुम हो कौन, तुम्हारी हैसियत क्या है कि मैं तुम्हारी गारंटी पर उसे छोड़ दूं? इंस्पेक्टर साहब खुदा का वास्ता दे रही हूं मैं आपको, आपके आगे हाथ जोड़ रही हूं, बस 5 मिनट, 5 मिनट के लिए मिल लेने दीजिए, बस एक बार। नहीं नहीं इंस्पेक्टर साहब खुदा का वास्ता है आपको, सिर्फ 5 मिनट, 5 मिनट से क्या चला जाएगा, बस एक बार मिल लेने दीजिए, बस एक बार। मैं कह रही हूं ना आपको, बस एक बार मिल लेने। मैंने कहा ना कि नहीं। सच सच बता दे रानी। बाजी कसम ले ले मुझे कुछ भी नहीं पता। जब देखो तुम दोनों सर जोड़कर कानों में खुसर खुसर करती रहती है, तो ये कैसे हो सकता है कि उसने तुम्हें अपना कोई राज ना बताया? बाजी यकीन करें उसने मुझे कोई राज नहीं बताया, और उसके राज होंगे भी क्या, वही उसके पढ़ाई की बातें, मुझे तो जी कुछ समझ नहीं आती, मैं बस सुनती रहती हूँ। काक की ना समझ मुझे, दुनिया देख रखी है मैंने, जब वो यहाँ आई थी ना तो कोरी सलेट थी, अगर ऐसी वैसी कोई बात होती ना तो मैं पहले ही ठटक जाती, उसे घर में ना घुसा के बिठा लेती, लेकिन अब जो उसके रंग ढंग है ना मुझे साफ नजर आ रही है। अब तो बेगम आपदा ने भी तस्दीक कर दी है ये बता कर के वो काम पर नहीं पहुंची, जबकि सुबह सवेरे वो काम का कहकर घर से निकली है। बाजी मुझे जो कुछ पता था मैंने बता दिया आपको, और उसको तो अपने पढ़ाई के अलावा कोई होश भी नहीं है, या बस अपने काम की धुन। अंधी नहीं हूँ मैं, पर्दे ना डाल उस पर। बाजी मैं भला क्यों पर्दे डालूंगी, वो कौन सी सगी है मेरी? और बाजी देखिए नमक में आपका खाऊं और गुण में उसके गाँव, तोबा तोबा बाजी ये नहीं हो सकता, और होगा कोई चक्कर, आपकी नज़र धोखा नहीं खा सकती, लेकिन बाजी यकीन जाने उसने मुझे कुछ भी नहीं बताया, मुझे तो वो हवा भी नहीं लगने देती है, अगर उसने मुझे कुछ भी बताया होता मैं आपको अलीफ से लेके ये तक बताती, कसम है बाजी। साहिर मीरू ने क्यों हाल बना दिया तुम्हारा? तुम यहाँ क्यों आई हो? साहिर तुम्हें देखने, तुमसे मिलने। क्या जरूरत थी मुंह उठाकर आने की, अगर किसी ने तुम्हें देख लिया तो तुम्हारे मालकों में से? हाँ तो देखते रहे मेरी बला से। तुम्हारी इज्जत मुझे अपनी जान से ज्यादा अजीज है, मैं नहीं चाहता तुम वहां पर बेइज्जत या बेएतबार हो जहाँ सर छुपा कर बैठी हुई हो। साहिर उसने तुम पर इल्जाम लगा दिया तुम सलाखों के पीछे हो, और मैं अंदर दुबक कर बैठ जाऊं? अच्छा तो तुम क्या कर सकती हो यहाँ पर? नूर जाओ यहाँ से, मुझे तंग मत करो। अच्छा साहिर मेरी बात सुनो, देखो मुझे उस दुकानदार का पता बताओ, मैं उससे मिलने जाऊंगी, मैं उसकी मिन्नतें करूंगी, मैं कसमें उठाऊंगी कि मेरा साहिर ऐसा नहीं कर सकता, मैं जानती हूँ मुझे एतबार है। कर चुका हूं मैं ये सब कुछ, उसे सिर्फ अपना नुकसान भरवाने से मतलब है, मेरी सजा से नहीं है। समझे का है, 1.5 लाख रुपया दे दो मैं पर्चा वापस ले लूंगा। 1.5 लाख? 1.5 लाख का माल था भी उस दुकान में? नूर तुम जाओ यहां से, मैं कर लूंगा कुछ ना कुछ, मेरा दिमाग मत खाओ। लेकिन क्या करोगे, कैसे करोगे? तो तुम यहां खड़े खड़े क्या कर सकती हो, कुछ नहीं ना, तो जाओ अपने लिए मुश्किलें पैदा मत करो। नूर जितनी तकलीफ तुम्हें मुझे यहां देखकर हो रही है उससे कहीं ज्यादा मुझे तुम्हें यहां देखकर हो रही है। खुदा के वास्ते जाओ यहां से, ये जगह औरत के आने के लायक नहीं है। इनमें से किसी एक का भी कीड़ा कुल बुला गया ना तो तुम्हें मेरा साथी समझ के साथ ही धर लेगा। जाओ यहां से।
मैंने कहा ना जाओ यहां से। जी वो मैं नई किताबें लेने के लिए गई थी उर्दू बाजार। ऐसी कौन सी डॉक्टरी तुम पढ़ रही जिनकी किताबें यहाँ नहीं मिलती? देखें बाजी, नई किताबें लेने की पसली नहीं है मेरे पास। मुझे किसी ने बताया था कि यहाँ करीब में उर्दू बाजार है, वहाँ पे इस्तेमाल हुई हुई किताबें आधी कीमत में मिल जाती हैं। तो अच्छा, कहाँ है किताबें? वो अभी नहीं ली, एक दो दिन में लूंगी, अभी देखने के लिए गई थी। नूरी, ये तमाशा यहाँ नहीं चलेगा। तुम जवान जहान लड़की, जब तुम्हारा दिल चाहता है मुंह उठाती हो, बस पकड़ती हो और बाजार चली जाती हो, बगैर किसी से पूछे, बगैर किसी को बताए। अगर कल कलां को तुम्हें कुछ हो जाता है तो तुम्हारे तो पिछले आकर हमारी गर्दन पकड़ेंगे ना। लाओ लिख के दो किताबों के नाम। हाजी साहब जाते रहते हैं बाजार, मंगवा दूंगी तुम्हें। और सुनो, अब मुझे शिकायत का मौका ना मिले। अगर मुझे पता चला कि फैक्ट्री के बहाने तुम घर से निकली हो और गुलछड़े कहीं और उड़ाती फिर रही, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुम्हें नहीं पता कि हाजी साहब क्या मेरा हाल करेंगे। मेरी बात गौर से सुनो, अब अगर मुझे तुम्हारी शिकायत मिली ना, तो तुम्हारे गांव जाने वाली बस में मैं तुम्हें खुद बिठा के आऊंगी। आई समझ तुम्हें? जाओ जाकर अपना काम देखो। रानी, मैं साहिर से मिलने के, ये देख मैं तेरे आके हाथ जोड़ती हूँ, तू ना मुझे माफ कर दे, मुझे तेरी कोई कहानी नहीं सुननी। तुझे पता है कि मैंने कुत्सिया बाजी को बड़ी मुश्किल यकीन दिलवाया है कि तू मुझे अपनी कोई बात नहीं बताती, वरना वो तो मुझसे सब कुछ उगलवाने के चक्कर में थी। मैं नौकरी करती हूँ, गुलामी नहीं करती हूँ कि मेरी गर्दन पर आकर पैर रख के खड़ी हो जाएंगी। अपने मर्द से डरती हैं? देखा नहीं तूने हाजी साहब कितने सख्त हैं? ये जो फैक्ट्री लगाई है ना, ये कुत्सियाबाजी के मेके से जो जायदाद मिली थी ना, उसमें से लगी है। लेकिन ना तो वो बकायदगी से जाती है, ना मालकन बन के बैठती है। पता है क्यों? पता है क्योंकि हाजी साहब को नहीं पसंद औरतों का इस तरह आना जाना, उन्हें एतराज़ है। देख ले तू, तू देखती नहीं है किस तरह अपनी बच्चियों को ताले में बंद करके रखा हुआ है। हाँ तो हाजी साहब अपना जोर अपनी बेटियों पर और बीवी पर चलाए ना, नूरी क्यों दबे? नूरी क्यों दबे? क्योंकि नूरी उनसे तनख्वाह लेती है, उनके खर्चे पे पलती है, उनके घर के क्वार्टर में रहती है। पता नहीं किस बात की अकड़ है तुझ में। नूरी तेरी ना मत मारी गई है उस दुकान वाले के पीछे। और हाँ, कभी सोचा है कि अगर ये नौकरी ना रही तो तू क्या करेगी? सोचा कभी ये नौकरी ना रही ना तो गांव जाके बैठना पड़ जाएगा, और वो जो दसवीं का पर्चा ले फिरती है ना, उससे तुझे लाहौर में तो नौकरी नहीं मिलने वाली, भूल जा। इसलिए नूरी ये देख, मैं तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ, होश कर, संभल जा। अभी भी संभल जा नूरी, खुदा के लिए। क्या संभलू यार, है रानी, जब से जाहिर को उस हालत में देखकर आई हूँ कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। तेरा कुछ नहीं हो सकता नूरी, कुछ भी नहीं होगा तेरा। Mm-hmm.
मैं आती हूँ तू घर। दीवाना लगी शाला चुकी बाद रवि शाला लड़कन लाल पलंग पे सो जा, हमें अब आएंगे लाल टोपी लाएंगे, फूले के सर पे टोप चमका हीरा मोती, भोला आया खेल के रोटी पका दो बेल के, सो जा भोले सो जा लाल पलंग पे सो जा। हाजी साहब इजाजत नहीं देंगे, पता तो है। अच्छा मैं फिर भी कोशिश करती। मैं बाद में बात करती। आओ नूरी। क्या बात? बाजी मुझे कुछ पैसे चाहिए थे। अभी तनख्वाह में एक हफ्ता रहता है, तुम्हें एडवांस में चाहिए पूरी या आधी? मुझे उधार चाहिए, मैं आपको थोड़ा थोड़ा करके आहिस्ता आहिस्ता सब चुका दूंगी। उधार? जी आप बेशक हर महीने मेरी तनख्वाह से थोड़ा थोड़ा करके काट लें। अच्छा चलो ठीक है, कितने पैसे चाहिए? 2 लाख चाहिए। बस आजा राजा कर दी।